तो दोस्तों अगर आप भी अपने YouTube वीडियोस को लेकर परेशान हो गए हो, अगर आपके 6-7 व्यू जा रहे हैं, तो दोस्तों आप क्या गलतियां कर रहे हो ऐसा कि आपके जो 6-7 व्यू जा रहे हैं क्यों आ रहे हैं? आपने कहीं भी वीडियोस देखा होगा, क्योंकि वो शाम के अपलोड करते हैं उनके के में व्यूज जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि दोस्तों उनको प्रोसेस पता है क्या करना है इसमें, तभी उनका वीडियोस जो होता है ना अच्छे ढंग से व्यू जाता है। आप ऐसी क्या गलती करते हो? आपको दो गलतियां मैं बताऊंगा कि जो आप लोग ये गलतियां करते हो तभी आपका जो व्यूज होता है वो रुक जाता है। दोस्तों आप लोग प्लीज वीडियो के एंड तक बता रहे कि मैं आपको ऐसी दो गलती जो आपने किया है कर रहे हो, मतलब वो दो गलती आप कर ही रहे हो। आप किसी वीडियो पर नहीं करते हो तो दोस्तों वहां पर आपका अच्छा व्यूज आ जाता है। दोस्तों आज इसी वीडियो में आज बताने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो को एंड तक बने। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपके सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वो है थंबनेल। क्योंकि दोस्तों आपका अगर आपका थंबनेल अच्छा रहेगा तो तभी दोस्तों आपका वीडियोस पर क्लिक करेंगे बंदा। दोस्तों देखिए, आपने जब यूट्यूब जब अपने वीडियो अपलोड करते हो, दोस्तों जब मान लीजिए आपने अपलोड कर दिया, अब वो आपकी वीडियोस कोई बंदा या फिर अपना फोन खोलेगा यूट्यूब, तो दोस्तों वहां पर उसका आपका वीडियो उसके फोन पर शो करेगा, तो उसको बोलते हैं इम्प्रेशन। अगर वो बंदा वहां पर खोला आपके वीडियोस देखी, अब आपकी वीडियोस पर ना थंबनेल अच्छे से है ना कुछ, तो बंदा वो कहाँ से क्लिक करेगा? तो मान लीजिए आपके क्लिक नहीं किया, फिर उसको कर दिया स्किप, तो कहाँ से आपका व्यू जाएगा? तो दोस्तों यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। दोस्तों आपको अपने थंबनेल को थोड़ा अच्छे से बनाइए और एक्टिव, मतलब थोड़ा अलग लेवल के बनाइए। थोड़ा समय दीजिए, 1-1.5 घंटा अपने थंबनेल पे दीजिए। तो दोस्तों देखिए, आपने YT स्टूडियो में जब आप अपलोड करते हो 1-2 घंटे बाद जब चेक करते हो, दोस्तों वहां पर देखिए क्लिक रेट जो होता है आपका गिर जाता है, 1% रहता है, किसी भी 2% रहता है। इसीलिए गिरता है क्योंकि दोस्तों आप कोई बंदा आपके वीडियोस पर क्लिक ही नहीं किया। दोस्तों ये हो गया मेन आपकी गलती जो करते हो। दोस्तों आपके थंबनेल पर अच्छे ढंग से काम करो, क्योंकि दोस्तों जब आपका थंबनेल अच्छा रहेगा तो बंदा मजबूर हो जाएगा आपकी वीडियोस पर क्लिक करने के लिए। तो दोस्तों आपको वीडियो में अपने थंबनेल पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और अच्छे से काम, मतलब उस पर 1-1.5 घंटा आप समय दीजिए कि मतलब उसको अच्छे से अच्छे बनाए। आपने मार्केट में जाते हो तो दोस्तों वहाँ पर देखिए आपको बैनर लगा होता है, पोस्टर बैनर जिसको बोलते हैं हम थंबनेल। तो दोस्तों देखिए वहाँ पर डिजाइने में लिखा होता, अगर कोई बंदा मार्केट से गुजर रहा है तो उसकी नज़र पड़ती है, तो दोस्तों वहाँ पर देखता है, अगर वो अच्छे से लिखा है मोटे मोटे अक्षर में तो दोस्तों उसको पढ़ते हुए निकल जाएगा। अगर वो उसके काम लग रहेगा तो दोस्तों खड़ा होकर पढ़ेगा उसको, अगर उसके काम लगे नहीं तो निकल लेगा। तो दोस्तों इसीलिए अगर वो आपकी वीडियोस उसके काम लायक है तो दोस्तों बंदा अगर उसको स्क्रॉल करते हुए उसको ध्यान में आया कि ये नहीं ये लिखा है तो तुरंत क्लिक कर देगा। दोस्तों इसलिए बोलते हैं अपने थंबनेल पर विशेष ध्यान देना है। दूसरी बात दोस्तों, जब आपने मान लीजिए थंबनेल तो बना लिया, मान लीजिए उसको क्लिक करवा लिया, अब ये है कि आपकी वीडियोस पर वो बंदा कितने देर तक रुकता है। काफ़ी वीडियोस को आपने देखा होगा कि आपने क्लिक कर देते हो लेकिन फिर जब उस पर देखते हो 2-4 सेकंड तो आपके वो उसमें मज़ा नहीं आता, जो आपने देखना चाहते हो उस पर है ही नहीं, तुरंत हटा देते हो। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, आपको अपने वीडियोज़ में 20-30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट तक आपको उस वीडियो में रोकना, शुरू के आप अगर एक कर लेते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह अपने ऑडियंस को रोकना चाहते हो। दोस्तों जिस दिन आपने ये करना सीख लिया, अपने ऑडियंस को रोकना अपने 1-1.5 मिनट तक, दोस्तों आपका चैनल वहीं पर ग्रो हो जाएगा और आपके अच्छे खासे व्यूज आएंगे और अच्छे खासे आपके सब्सक्राइबर भी मिलेंगे। दोस्तों आप लोग यही गलती करते हो। दोस्तों आपको कोई बंदा बताएगा नहीं कि बारीकी से कि हिंदी से कैसे, मैं क्योंकि दोस्तों मैं हिंदी से एकदम रिलेटेड, क्योंकि मैं जिसे बंदा कोई नए मतलब कुछ भी ना जानता हो मैं उसके बारे में यूट्यूब चैनल बनाया हूँ कि वो बंदा यूट्यूब से पैसा कमा सकता है, यूट्यूब से सीख सकता है हमारे चैनल से। तो भैया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं यूट्यूब के रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में देता रहूँगा। तो प्लीज़ बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। भूलिएगा नहीं सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई।